वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, आपका एडजॉर्प्शन। नहीं, एडजॉर्प्शन की बात की है मैंने, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं की है। अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में काफ़ी डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस को जानना, डिजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है सरफेस केमिस्ट्री में, और इन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। इससे पहले जो चैनल है शिक्षा, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एडजॉर्प्शन। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है ऐड की, ठीक है। ऐड मतलब होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना, ना कि किस तरह जोड़ना, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ बात कर रहे हैं हम एडजॉर्प्शन की। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन बहुत अलग आपका टॉपिक होता है। एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या होता है, अगर आप चौक को लेते हो, ठीक है, और आप उसको क्या करते हो, पानी में डिप कर देते हो, तो कुछ देर के बाद क्या देखते हो कि जो पानी जो होता है उसके बल्क में, यानी उसके अंदर भी क्या आपके चला गया होता है। लेकिन अगर आप एडजॉर्प्शन की बात करो तो आप क्या करते हो, एक कलर कंपाउंड लेते हो, ठीक है, एक कलर को लेते हो, उसके अंदर चौक को डालते हो, और वहाँ पे देखते हो कि कुछ देर बाद जब चौक का बाहर निकालते हो तो चौक के जो बाहरी सरफेस होती है वहाँ पे कलर लग चुका होता है, लेकिन जो उसकी इनर सरफेस होती है वहाँ पे वो कलर नहीं पहुँचा होता है। तो यही डिफरेंस है आपके एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में। एडजॉर्प्शन क्या है, बेसिकली इज अ सरफेस फिनोमिना है, लेकिन जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, आपके बल्क फिनोमिना है। वहाँ पे जो जितने भी आपके मॉलिक्यूलर स्पीसीज होती हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो इनर सर्फेस के अंदर भी आपके पेनिट्रेट कर जाते हैं, लेकिन एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पेनिट्रेट नहीं करते हैं, वो बस आपके सरफेस पर जाते हैं। और फर्दर सबसे पहले एडजॉर्प्शन आया कैसे, तो बहुत सी ऐसी आपकी डिस्कवरीज हुई, बहुत से साइंटिस्ट ने ऐसा आपका इन्वेंशंस किए, उन्होंने ये जाना कि बहुत से ऐसे आपके सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या करते हैं, उनके अंदर टेंडेंसी होती है अपने आउटर सरफेस पे मॉलिक्यूलर स्पीसीज को अट्रैक्ट करने की या किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और अच्छे से। तो एडजॉर्प्शन पढ़ने के बाद जो पहली चीज़ हमें अभी सीखनी है वो पूछनी है एडजॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बारे में। लेकिन इससे पहले जो साइंटिस्टों ने इसके बारे में क्या दिया, जो डेफिनेशन दिया वो पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या दी, द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रैदर देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्स एट्स एडजॉर्प्शन। मतलब एक्युमुलेशन ऑफ मटीरियल, किसी भी मटीरियल का इकट्ठा होना कहाँ पे, किसी सरफेस पे, उसको क्या कहते हैं हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। वो तो गैसेस भी हो सकती हैं और वो लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्बेट क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है। बेसिकली एब्जॉर्बेट वो होता है जो सब्सटेंस क्या हो, मटेरियल के सरफेस पे जाके एक्युमुलेट हो। अगर मैं बात करता हूँ चौक की, ठीक है, तो चौक की यहाँ पे सरफेस पे जो कलर आके इकट्ठा हुआ है वो क्या है, आपका एब्जॉर्बेट है। लेकिन जो ये चौक है जहाँ पे जो एब्जॉर्बेंट आके एक्युमुलेट हुआ है वो क्या है, आपका एडजॉर्बेंट है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्बेंट है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, और एब्जॉर्बेंट क्या है, वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, वो सब्सटेंस है जो वहाँ पे आके क्या हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेसेस कहाँ कहाँ होती हैं। मैंने एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन जब तक हम केमिस्ट्री को रियल लाइफ से नहीं जोड़ते हैं हम समझ नहीं पाते। अब केमिस्ट्री को उठा के रियल लाइफ से जोड़ते हैं। पहली जो मेरी है एग्जांपल है वो है, मैं क्या करता हूँ, एक मैं कैन लेता हूँ, ठीक है, उस कैन के अंदर मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीजन को डालता हूँ, हाइड्रोजन को डालता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड को डालता हूँ, CO2 डालता हूँ, अमोनिया डालता हूँ और सल्फर डाइऑक्साइड को डालता हूँ, और वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फाइनली जो फाइंड आपके चारकोल होते हैं उनके पीसेस को डाल देता हूँ। कुछ देर के बाद मैं क्या देखता हूँ, ये मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखता हूँ कि वहाँ पे क्या होता है, कुछ देर के बाद जो आपका जो प्रेशर लग रहा था जो गैसेस की वजह से उस कैन पे, वो क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ देर बाद और देखता हूँ, जैसे जैसे टाइम पास होता है वो प्रेशर और कम हो जाता है। वो प्रेशर एक्चुअली कम क्यों होता है, क्योंकि ये जितनी भी आपकी गैसेस थी वो उस चारकोल के सर्फेस पर जाके क्या हो रही है, एडजॉर्ब हो रही है। इसी वजह से इनका जो आपका जो प्रेशर जो एग्जर्ट कर रही थी उसके वॉल पे, मेरे कंटेनर के वॉल पे, वो क्या हो रही, बहुत कम हो रही है। तो एक आपको ये एग्जांपल मिल सकता है आपके रियल लाइफ में एडजॉर्प्शन का। दूसरा प्रोसेस क्या है आपका, एनिमल चारकोल का एग्जांपल है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू क्या है, एक ऑर्गेनिक डाई है, ठीक है। इसको आपने मिथाइलिन ब्लू को कितनी बार आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसको क्या करते हैं, इसको यूज़ किया जाता है आपके बायोलैब्स में। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसे कभी भी आप किसी कंटेनर में मिथाइलिन ब्लू को डाल लीजिए और उसमें क्या कर दिया, आपको एनिमल चारकोल डाल दीजिए। जब आप कुछ अच्छे से सेक करेंगे तो कुछ देर के बाद क्या देखेगा, जो आपका वो जो
मिथाइल ब्लू था वो आपको कलरलेस हो जाएगा, और जितना भी मिथाइल ब्लू के अंदर जितने भी उसके कलर कंपोनेंट्स थे वो आके आपके एनिमल चारकोल के ऊपर क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। सेम प्रोसेस हमारी जो शुगर फैक्ट्रीज हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है, जो भी रॉ शुगर होती है उसके अंदर जितने भी आपके मटेरियल जो होते हैं उसे कलर इंपार्ट करते हैं, उनको क्या करता है एनिमल चारकोल के ऊपर से क्या करता है पास करा जाता है, और पास करने के बाद जितने भी रॉ मटेरियल्स जो होते हैं जो उसके कलर कंपोनेंट एनिमल चारकोल पे एडजॉर्ब हो जाते हैं, और हमको क्या होते हैं आपकी साफ शुगर हमको आराम से मिल जाती है। बहुत ज़्यादा क्या होता है मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए, बहुत सी आपके घरों में देखना देखा होगा आपने, या तो बाहर के घरों में कुछ चीज़ें इम्पार्ट होती हैं यूज़ में आती हैं, कि क्या करते हैं हम सिलिका जेल का यूज़ करते हैं, और कितनी बार सिलिका जेल अब कभी जूते भी खरीदते होगे आप तो उसमें आपके पैकेट मिलती होगी उसके अंदर लिखा होता है सिलिका जेल। बेसिकली वो करता क्या है, आपके जूते हैं या आपके कपड़ों को मॉइस्चर से बचाता है, वो क्या करता है उसके अंदर एडजॉर्बेंट एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है, और जितना ही मॉइस्चर होता है सर आपके पूरे इन्वायरमेंट में उसको क्या कर लेता है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपके जितने भी कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं मॉइस्चर से बच जाते हैं और उतने गंदे नहीं होते या उतने बेकार नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं डिजॉर्प्शन की, ये डिजॉर्प्शन क्या होता है, बेसिकली एडजॉर्प्शन की उल्टी प्रोसेस को ही डिजॉर्प्शन कहते हैं। डी मतलब कि डिवाइड, यानी कि हटा देना मतलब क्या करना है, यहाँ पे जो भी सरफेस पे जो भी एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे जो भी एब्जॉर्बेट पहले से एक्युमुलेट हुआ था उसी को अगर हम रिमूव कर दें उस प्रोसेस को कहते हैं डिजॉर्प्शन। अब जॉर्प्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिकली कुछ कितनी बार ये होता है कि आपकी जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है दोनों क्या होती है आपकी साइमल्टेनियसली प्रोसीड होती है। कैसे प्रोसीड होती है, अगर किसी आपने क्या किया कलर कंपाउंड में आपने चौक को डाला तो आप ये देखते हो जो कलर होता है वो तो सरफेस पे आपके क्या होता है एब्जॉर्ब होता है, लेकिन पानी क्या होता है एब्जॉर्ब होता है। तो ये जब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस अगर साथ में आपकी होती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, जॉर्प्शन नाम देते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहना है। आज के लिए बस इतना ही, हैव अ गुड डे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर जरूर दूंगा।